नमस्कार, बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं सिराथू विधानसभा में और यहाँ पर मीडिया में ऐसे तमाम वीडियो आ रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य, जो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी तरफ से 21 पेटी शराब जो है वो बांटी जा रही थी। तो हम इस समय सैनी थाना में मौजूद हैं, यहाँ पर हम बातचीत करते हैं, आपको बताते हैं क्या कुछ हिसाब है। बताइए, क्या कुछ आरोप लग रहे हैं मीडिया में? देखिए, ये आरोप लगा है जैसे कि लोगों ने बताया कि जो है ये दारू बांटी जा रही है। दारू चाहे जिसकी तरफ से बांटी जा रही है, मैं कहना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, 5 साल में आता है। अगर इसको हम धन बल बाहुबल के अकॉर्डिंग यदि हथियाना चाहते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या है। तो कितना क्या क्या कुछ आरोप लग रहे हैं, कितनी शराब पाई गई, कहाँ मिली है ये सब? देखिए, 21 पेटी तो बताया जा रहा है, 21 पेटी है, 18 पेटी दारू ये अभी आपके सामने कैमरामैन दिखा दीजिए आप। ये डाले में लट के जा रही थी, लोडिंग होके जा रही थी और जो पकड़ी गई और थाने पे ले आई गई है। जी बिल्कुल, आप बताइए। अभी जस्ट चौराहे पे ही पकड़ी गई है। अभी डिंपल यादव और जयप्रदा का, जय बच्चन का कार्यक्रम था, वही कार्यक्रम समाप्ति के बाद हमारे कार्यकर्ता सारे निकल रहे थे, रोड से खुले गाड़ी पे लदे हुई दारू बांट रहा, चौराहे पे दारू बांट रहा था, तो हमारे कार्यकर्ता वही नहर पे पकड़े हैं। फिर भाजपा कार्यकर्ता, ऐसे भी होता है कि चुनाव के कुछ दिन पहले 27 तारीख को चुनाव है और आज यहाँ इस तरह से जो है शराब की पेटियां पकड़ी जा रही हैं। जी जी जी, मैं जनता से अपील करता हूँ कि सिराथू की देवतुल जनता से कहना चाहता हूँ कि आप भगवान हैं और आप एक ऐसे प्रत्याशी को चुनिएगा, एक तरफ आपके तरफ एक महिला प्रत्याशी है और एक तरफ पुरुष प्रत्याशी है। ये दारू जिसकी तरफ से बांटी जा रही है, यह लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आपको दारू पिला करके आपका वोट लिया जाएगा, फिर आपको याद रखना पड़ेगा 5 सालों में आपके ऊपर अत्याचार किया जाएगा, जुल्म किया जाएगा, आपके बच्चों के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, बेरोजगारी में रखा जाएगा। तो सिराथू की देवतुल जनता से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको दारू पे नहीं बिकना है, पैसों पे नहीं बिकना है। ये तो जनता का अधिकार है, वो देखेंगे कि उनको किसको वोट करना है किसको नहीं। यहाँ पे कुछ पुलिस अधिकारी भी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बता सकते हैं कि क्या कुछ ये मामला? बस हमको जानकारी, आप बताइए कि ये बताइए कि यहाँ पे जो दारू की पेटी पकड़ी गई, कहाँ से आपने बरामद किए, क्या कुछ चल रहा है? ये सूचना मिली कि वहाँ कुछ हंगामा हो रहा है, जनता खड़ी थी, हम लोग गए, लोग तो यहाँ पे पुलिस जो अधिकारी वो भी बात कर रहे थे लेकिन उनको बात करने से रोक दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये जो दारू की जो ये पेटियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं और चुनाव के 2 दिन पहले ही 27 को मतदान होना है और इस तरह से यहाँ पे शराब बांटी जा रही है। तो लोकतंत्र में अगर इस तरह से, ये जो चुनावी पर्व कहा जाता है, वोटिंग जिस समय होती है, तो इस तरह से अगर दारू बांटी जाएगी तो उसमें क्या कुछ हिसाब बनेगा? और कुछ पेटियां आप क्या बता रहे हैं? और बाहर निकाल दिए गए जितनी लदी हैं, इसमें और निकाल देंगे 18 पेटी, इतनी तो भी कम दिख रही हैं, बाकी 18 पेटियां थी। मतलब ये भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ पेटियों को हटा दिया गया है, 18 पेटियां लदी थी अभी हटा दी गई हैं, कुल 18 पेटियां मिली थी। और यहाँ पे और कुछ क्या चल रहा है, ऐसे कैसे आप लोग आरोप लगा सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये सब? उनका ड्राइवर है, वो तो खुद बताएगा, जो ड्राइवर मिला है या नहीं मिला, नायब पे दारू बांटी जा रही थी, ड्राइवर है, ड्राइवर है, बोलो तुम, हम बताइए। अरे ड्राइवर खुद मिला है, खुद वो बताया कि किसकी गाड़ी कहाँ जा रहा है, तो उसको खुद पता होगा भाई ये गाड़ी पकड़ी गई है, वहाँ पुलिस वाले अपने लेके आए, यहाँ नहर पे पास मिली भाई, इतनी दारू जाने, ये तो प्रशासन अब पता करे ना भाई, प्रशासन ये पता करे कि कौन मंगाया, किसके लिए ले जा रहा था, ये तो भाई गाड़ी पकड़ी इतनी दारू कोई पीने के लिए। अगर वो मतलब आरोप तो किसी भी तरफ से लगाए जा सकते, वो कल को बोल दे कि इस तरफ से बांटी जा रही थी दारू, तो कुछ साक्ष्य भी होंगे तभी इस तरह के आरोप। ये चीज तो वही ड्राइवर बता सकते हैं, ये जहाँ तो कोई कुछ FIR दर्ज करे, कुछ आपने अंदर रिपोर्ट वगैरह लिखवाई? कुछ नहीं, कुछ अभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई, जस्ट आई दारू। तो बताइए क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं और क्या कुछ ऐसा आपके पास कुछ बेस है इस तरह के आरोप? आपके सामने सारी चीजें हैं जी, ये तो पेटी तो तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी केवल सिराथू विधानसभा में ही नहीं, सारे अगल बगल के विधानसभाओं में इस तरीके की सैकड़ों गाड़ियां
उनकी आज जगह जगह के ठेकाओं से दारू लाद करके और गांव में जा करके बांट रही, तो इतफाक है कि कार्यकर्ताओं ने इसको पकड़ लिया। नहीं तो कौसाम्बी का जो नालायक बेटा है उसकी करतूत सामने आ चुकी है सिराथू के लोगों के सामने, और सिराथू के लोगों ने यह तय कर लिया है कि अब की बार सिराथू के स्टूल मंत्री को स्टूल से उतार करके बाहर कर देंगे, और इस तरह से दारू और पैसे भी सिराथू की जनता बिकने वाली नहीं है। तो ये बहुत बड़े कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी भी है सिराथू से, और बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने हालांकि बात नहीं की है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है कि चुनाव से पहले इस तरह से दारू के जरिए वोट खरीदे जाने की बात है। ये बहुत बड़े आरोप है जिसका जवाब देखते हैं कि अगर केशव प्रसाद मौर्य या उनकी तरफ से कोई दे पाता है कि नहीं। धन्यवाद।